सो गाइस, मैं आप लोग के लिए आ गया हूँ दोबारा से अपनी एक नई वीडियो पे। और आज की वीडियो है कीबोर्ड के पे रिलेटेड। मतलब सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मैं अच्छी भाषा में समझाऊँ तो आपको, मतलब सबकी अलग अलग चॉइस होती है। सब किसी को हिंदी आता है तो किसी को इंग्लिश आता है, तो किसी को पंजाबी आता है, तो किसी को उर्दू आता है। सबको अलग अलग लैंग्वेज आती है और सबको अलग अलग लैंग्वेज में लिखना आता है। किसी को हिंदी आती है तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है तो किसी को हिंदी नहीं आती। मुझे इंग्लिश टाइपिंग करने आती है लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती। तो मैं वही बताने वाला हूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग तो हर जगह मिल जाती है, आपको एक नए मोबाइल में भी इंग्लिश टाइपिंग कीबोर्ड ही मिलता है। बट अगर आपको हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड चाहिए या उर्दू टाइपिंग कीबोर्ड चाहिए या पंजाबी टाइपिंग कीबोर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने से पहले मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और बताने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आने वाली सारी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। कीबोर्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, बट मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया, आप डायरेक्टली जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैंने शुरुआत से दिखाया था आपको, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको टाइप करना है गूगल इंडिक कीबोर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल इंडिक कीबोर्ड, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं अभी वीडियो को स्किप कर देता हूँ। इस मेरा जो कि अब कीबोर्ड हो गया है इंस्टॉल, टैप करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में कुछ परमिशन है जो कि इनको देने पड़ेंगे, तो अनेबल कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको एक गूगल इंडिक कीबोर्ड इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज को अनेबल कर देना है। ओके, वहाँ से ओके करके अनेबल हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से सर्च इनपुट मेथड, इस पर क्लिक करके आपको अपने इंग्लिश एंड इंडिक कीबोर्ड इंडिक लैंग्वेजेस में आ जाना है बस। और परमिशन दे देना इनको, कुछ ज़रूरी परमिशंस बस अलाउ कर देना है। अलाउ कर यहाँ से आपको करना है एक्सेप्ट, यहाँ से बढ़ना है आगे, फिर ये यहाँ से आगे और बढ़ जाना है। फिर यहाँ से आपको थीम चूज़ करना है, कौन सा थीम आपको पसंद है। मैं तो सिंपल थीम ही ले रहा हूँ। और गेट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेजेस में अपने मनपसंद का लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर के यूज सिस्टम लैंग्वेजेस, इसको करना है आपको ऑफ। और यहाँ से जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लैंग्वेज एग्जांपल दिखा देता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। अब यहाँ से करते हैं बैक। और बाकी और भी चीज़ें हैं इसकी इनपुट में, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं ऑप्शन जो आपको पसंद है आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको अनेबल या डिसेबल। बाकी कीबोर्ड पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, फीचर्स वो आपके ऊपर आप कौन सा रखना चाहते हैं। बाकी हैंड राइटिंग नॉर्मल, ये सब है आपके ऊपर, आप कौन सा चीज़ रखने चाहते हैं अनेबल करके डिसेबल करके। बाकी अब ये हो गया है मेरा, अब मैं आ जाता हूँ अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद मैं गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टाइप करने के बाद ये मेरा गूगल इंडिक कीबोर्ड का जो है कीबोर्ड है। यहाँ पे एक नीचे आपको ब्राउज करके ऑप्शन मिल रहा है जो कि आप देख रहे हो, इस पर टैप करके रखना है। इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखे, मतलब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसे, बट मैं पूरा हिंदी कीबोर्ड लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखे में क्लिक करूँगा और यहाँ पर पूरा आपका हिंदी कीबोर्ड आ जाएगा। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ पबजी, ठीक है, प ब प ब, और थोड़ा यार स्लो है हिंदी कीवर्ड मुझे, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। यहाँ से जी कर दिया, तो यहाँ से पबजी गेम पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पबजी गेम आ गया पहले पे ही, पबजी मोबाइल मैड मीरामार, तो यहाँ पे पहले भी आ जाता है। तो हिंदी कीबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर आप जो लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज वापस से आ गया। तो आप ये चीज़ें करके, ये ट्रिक यूज़ करके आप अलग अलग लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हैं। तो और गाइस, बहुत ज़रूरी बात जो बताना ज़रूरी है, और ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको करना भी ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में कभी भी वीडियो, नई वीडियो अपलोड करता हूँ, वो मेरे किसी भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड हो सकती है, चाहे कीबोर्ड के ऊपर, चाहे मोबाइल के ऊपर, चाहे टैग के ऊपर, तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। ऊपर की तरफ आपको यहाँ इस तरफ नोटिफिकेशन दिखा देगा कि भाई इस चैनल वाले ने, इस यूट्यूबर ने एक नई वीडियो डाली है। और नोटिफिकेशन बेल कैसे अनेबल होगा, सब्सक्राइब करने से। वहाँ पे आपके मेरे चैनल के नीचे की तरफ एक रेड कलर का बटन होगा जिसमें कि सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो बस आपको उसको दबाना है, प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है। तो गाइस बस इतनी सी वीडियो थी, अब बात करते हैं अगली वीडियो में। तो बाय।